दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के 8 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने मंत्रालय की 8 साल की उपलब्धियां बताई, वहीं शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। मंत्री वीरेंद्र कुमार ने महिला सुरक्षा वृद्ध पेंशन योजना के बारे में भी जानकारी साझा की। हमारे समाज के इन सभी वर्गों को एक और जहां शैक्षणिक दृष्टि से सशक्तिकरण करने का काम, किसी भी देश के विकास में शिक्षा का सर्वाधिक महत्व होता है, और वो चाहे हमारे अनुसूचित वर्ग के हमारे छात्र हों, पिछड़ा वर्ग के हों हमारे दिव्यांग छात्र हों, या हमारे घुमंतु विमुक्त जातियों के हमारे छात्र हों, इन सबकी एक और शिक्षा के माध्यम से उनको सुविधाएँ जुटाकर, उनको योजनाएँ बनाकर उस क्षेत्र में आगे बढ़ना, सशक्त करना, तो हमने योजनाओं को भी बहुत उसमें भी परिवर्तन करने का काम किया, और इसके साथ ही साथ कौशल विकास को भी जोड़ने का। अनुसूचित जाति का जो हमारा मेधावी छात्र है, जो प्रतिभावान छात्र है, उस मेधावी छात्र की पढ़ाई उसके जीवन का लक्ष्य अर्थ के अभाव में रुकने ना पाए, इस दिशा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में विभाग ने प्रभावी कदम बढ़ाया, और उसमें हमारा अभी एक योजना को हम लोगों ने शुरू किया।